मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं चाहिए। हर पल आपके लिए अवसर लेकर आता है। आपकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप इस पल को कैसे जीते हैं। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आधुनिक मनी मंत्र में। जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का पंचांग 25 सितंबर 2022 दिन रविवार, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र आज होगी। आज का राहु काल शाम 4:44 से शाम 6:14 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:37 तक रहेगी। दिशा शूल पश्चिम दिशा। यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो पान खाकर घर से बाहर जाएं, लाभकारी होगा। मित्रों, यदि आप भी किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपना जन्म डिटेल और अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, आज का राशिफल जान लेते हैं। सिंह राशि। आपके मिलनसार स्वभाव के कारण आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ये सभी विश्वसनीय नहीं है। आज किसी भी दोस्त पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें। आज आप बिल्कुल स्पष्ट सोच रहे हैं और आप मुश्किल योजना बनाएंगे और उसे बहुत अच्छी तरह कार्यान्वित भी कर पाएंगे। अपने अधूरे काम आज पूरे कर दें और चिंता मुक्त हो जाएं। स्वास्थ्य और कल्याण। आज आप चिड़चिड़े और बीमार से महसूस कर रहे हैं, ऐसा आपकी पेट की तकलीफों के कारण हो रहा है। लेकिन आपको यह तो समझना ही होगा कि बिना सोचे समझे कुछ भी खाना ही आपकी सब शारीरिक समस्याओं की जड़ है, जिससे बाद में मानसिक तनाव जन्म लेता है। आपको अपनी डाइट पर नियंत्रण करना होगा। आपको शायद ऐसा कर पाना काफी मुश्किल लगेगा। अपने किसी दोस्त को अपने साथ अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर लें, उसकी मदद से आपको आसानी होगी। प्यार और संबंध। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आप आज किसी को आकर्षित कर सकते हैं। मित्रों के साथ मिलें और उनके साथ बाहर जाएं। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, वे भी अपने रिश्ते में चिंगारी का अनुभव करेंगे। आपकी एक रास्ता टूटेगी। आप अपने साथी के साथ कुछ अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप एक घरेलू व्यक्ति हैं, तो आप अपने साथी के साथ बाहर का रुख करके आनंदीय समय व्यतीत कर सकते हैं। करियर और धन। आज आपको छिपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आपके बारे में अति गोपनीयता से आपके बारे में गलत बातें आपके मालिक तक पहुंचा सकते हैं। इसका साक्ष्य भी आपको मिल सकता है, अतः सावधान रहने की जरूरत है। अपने क्रोध को संयमित रखें ताकि आपके कार्य पर इसके उल्टा प्रभाव ना पड़े। इसके विपरीत आपको अपने किए गए वादों को पूरा करके समय पर दिखाना होगा, जैसा कि आपने वादा करते वक्त कहा था। शुभ अंक 5, शुभ रंग फिरोजी। उपाय। नौकरी बिजनेस में उन्नति के लिए गुलाबी कांच की बोतल में पानी भरकर सूर्य की किरणों में रखें, फिर उस पानी को नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए उसका उपाय बता पाएं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।